नमस्कार, मैं अवनेन्द्र। लोकसभा चुनाव चल रहा है, दो चरणों का मतदान भी हो चुका है। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर भी कस ली है, नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता का मुद्दा कहां पर है, जनता की समस्याएं कहां पर हैं। पुराने इतिहास के बारे में बात किया जा रहा है, पुरानी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो समस्या है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया, पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। यहां पर मीडिया का भी एक अहम रोल है कि मीडिया का काम ही है जनता की समस्याओं को दिखाना, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो क्या मीडिया वाकई में जनता की समस्याओं को दिखा रही है या नहीं दिखा रही है, या कुछ और दिखा रही है? एक सच्चाई आपको टीवी पे दिखती है, वो सच्चाई जो आपको दिखा रही है ना, ये समझ लो सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, तो आपको अपनी सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं इस चुनाव के दौरान जहां कोई पत्रकार दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि भाई आज टमाटर का दाम देखो, कि देखो कितनी महंगी है ये तेल, या ये गैस सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, क्या लोग गुजारा कर पाएंगे? ये आप नहीं देखते किसी चैनल पे। किसी चैनल पे आप ये नहीं देखेंगे कि 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं मोदी जी के राज में, ये बात इस पे कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी कौन से कपड़े पहनते हैं, मोदी जी किस प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, किस तरीके के आम खाते हैं, ये देखेंगे आप। क्योंकि आज मीडिया भी झुक गई है, सारे चैनल भी झुक गए हैं। पत्रकार एक समय में सवाल उठाता था, मुझे याद है मेरे पिताजी के समय में एक अखबार रोज 10 सवाल छापता था, प्रधानमंत्री से सवाल है ये, आपको याद होगा कैसे आक्रमण होती थी मीडिया। कोई घबराता नहीं था, नेता कहता था ठीक है सवाल पूछो जवाब देंगे। आज तो नेता इतने घबरा गए हैं ये कि जब इनका चुनाव आ रहा है जो इनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको घूस देके उनको बिठा रहे हैं। अब मीडिया की परिभाषा आप समझ लीजिए कि मीडिया की परिभाषा होती क्या है। आमतौर पर एक पत्रकार जब पत्रकारिता करने आता है तो वो यही सोचकर आता है कि हम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, जनता की समस्याओं को कैसे दिखाएंगे ताकि सरकार की नजर उस पर जाए और उसका समाधान हो सके। लेकिन क्या आज के टाइम पर ज्यादातर न्यूज चैनल जो टीवी पर आते हैं वो ये दिखाते हैं? सच्चाई ये है कि अब उस न्यूज चैनलों पर इवेंट चलते हैं, जनता की समस्याएं कम ही दिखाई जाती हैं। जी हां, आप टीवी ऑन करिए और टीवी ऑन करके देखिए कि आपको नेताओं के भाषण दिख रहे हैं या जनता की समस्याओं की कोई रिपोर्ट दिख रही है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि टीवी चैनल क्या कर रहा है। मैं सभी चैनलों पर आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन ज्यादातर चैनलों का हाल यही है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सर्वे, ये सब झूठा है। ये तीसरे मोर्चे में यही लोग हैं। दो मोर्चा बता दिया, एक एनडीए, एक यूपीए, एक एनडीए और एक इंडिया, और तीसरा मोर्चा जो बिके हुए
मीडिया के लोग हैं जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, तीसरा मोर्चा। ये वो खबर जन्म देते हैं जो धरती के नीचे भी नहीं है ना आकाश के ऊपर, लेकिन इनके यहां खबर बन जाएगी। महाराष्ट्र में 48 सीटों में 42 इनके खाते में आई थी, आज की तिथि में महाराष्ट्र में 12 से 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमटने जा रही है। आप सोचिए कहां घाटा पूरा होगा, एक राज्य में 30 सीट का घाटा कहां पूरा होगा। बिहार में 40 सीटें थी पार्लियामेंट की, 39 मिल गई थी एनडीए को, अब डबल फिगर में जाना मुश्किल है। 7 जीत जाए, 8 जीत जाए, 9 जीत जाए, लेकिन चैनल में नहीं मिलेगा। अभी हमें उनकी बात याद आ रही है, कहते हैं कि हम रात में घर जाते हैं तो टीवी में बंद कर देते हैं, एक नया चैनल लगा देते हैं। ऐसा इंतजाम कर दिया इन लोगों ने कि कोई भी चैनल लगाइएगा उसमें तो सूरत नजर आएगी उन्हीं की। भाई एक एक धन्ना सेठ ने 30-30 चैनल खरीद लिए हैं, सबकी रोजी रोटी है। जो जमीन पे काम करने वाले, कैमरा लेने वाले, खबर बनाने वाले, इनका कसूर नहीं है, ये सब असलियत जानते हैं। मजबूर है, लिखना वही है, करना वही है, रोजी रोटी का सवाल है, सब रवीश कुमार थोड़ी है। चैनल बिक गया, अडानी ने कहा नहीं मानना इंडिया क्या था वो एनडीटीवी, ये नहीं मानना एनडीटीवी वाला, तो एनडीटीवी को खरीद लिया। लेकिन था उसमें भी एक वीर पत्रकार आत्मा वाला, उसने कहा तुम हमारा चैनल खरीद सकते हो, हमको नहीं खरीद सकते, उसने त्याग पत्र दे दिया। ऐसे भी इस दुनिया में, इस देश में, लेकिन हर जगह सबसे उम्मीद मत कीजिए। यहां तो सबसे ज्यादा बेचैन यही लोग हैं कि उत्तर प्रदेश जहां 80 में 80 का नारा दिया गया, वहां ये क्या हो रहा, 40 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है आज की डेट में। उत्तर प्रदेश में सफाया है, पूर्वांचल में मोदी लोटपोट के अभी वो भी लड़ाई में है। अगर बनारस की जनता ने हिसाब मांग दिया कि इतने प्राचीन मंदिरों को जो तोड़ा गया है, देवी देवताओं का जो अपमान किया गया है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ये पत्रकार ऐसा करते क्यों है, ये टीवी चैनल ऐसा करते क्यों है, ये गंभीर सवाल है, तो इसको भी समझ लीजिए। जहां तक मैंने सुना है और जाना है, जब एक छोटा पत्रकार पत्रकारिता करने निकलता है तो उसके दिल में एक दर्द होता है, वो किसी समस्या को देखता है तो उस पर खबर लिखता है, उसे प्रकाशित करता है, वीडियो बनाता है, टीवी पर चलाने की कोशिश करता है, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो उस पर भी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पत्रकारों की कैटेगरी बन गई है, पत्रकार भी दो तरीके के हो गए हैं। जी हाँ, दो तरीके के। एक पत्रकार वो है जो जनता की समस्याओं को दिखाते हैं, भले उनके पास पैसे कम हो, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वो कंप्रोमाइज करते हैं और काम करते हैं। एक पत्रकार ऐसे होते हैं जो हर बात पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसका सम्मान हमेशा से होता आया है, क्योंकि पत्रकार जनता की समस्याओं को दिखाता है, पत्रकार सच दिखाता है। लेकिन उस पेशे के आड़ में कुछ पत्रकार ऐसे हैं, आप उन्हें पत्रकार कहें या यूं कह लें कि वो अपने धंधे को चमकाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता का पेशा अपनाया और उसकी आड़ में अपने धंधे को चमकाया। जब पत्रकारिता के पेशे में ऐसे लोग घुस जाते हैं तो बड़े बड़े चैनलों का हाल ऐसा हो जाता है। मैं छोटे स्तर की बात कर रहा हूँ, आप बड़े स्तर पर जाएंगे तो उससे भी बड़ा हाल है। अपने बिजनेस को चमकाने के लिए पत्रकारिता की आड़ में बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाए जाते हैं, उनसे ठेके पट्टे लिए जाते हैं और काम किया जाता है, पत्रकारिता के पेशे को बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार होता है, सही पत्रकार होता है, वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत तो करता है लेकिन गलत रास्तों को अपना के नहीं, क्योंकि जरूरत उसको भी है, परिवार उसका भी है, लेकिन गलत रास्तों को नहीं अपनाता है।
वो कोई भी खबर ऐसी नहीं दिखाना चाहता जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो, जनता की समस्याओं का समाधान ना हो। कोई माँ, कोई बेटी, कोई बहन, कोई पीड़ित, कोई परिवार जब अस्पताल में भर्ती हो तो उसका इलाज हो, इसलिए वो अस्पताल की सच्चाई को दिखाता है। उसे नौकरी रोजगार मिले, इसलिए वो रोजगार की स्थिति पर बात करता है। लेकिन आज के समय पर क्या रोजगार की स्थिति पर बात हो रही है? आज के समय पर क्या अस्पतालों की स्थिति पर बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो पत्रकारिता का पेशा कहां जा रहा है, इसे आप समझ सकते हैं। आपका समय बेहद महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद मत करिए। जो मुद्दों की बात करें उसको सुनिए, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे डिजिटल के पत्रकार हो, चाहे अखबार हो और चाहे नेता हो, क्योंकि मुद्दों की बात से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मात्र ये कह देने से कि राजनीति मुझे समझ नहीं आती है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब आप एक ऐसा नेता चुनकर सत्ता में बैठाएंगे जो आपको समझेगा, आपकी समस्याओं को समझेगा, तब जाकर समस्याओं का समाधान होगा। नेताजी वाकई में ईमानदार होते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के गरीबों के मकान बनाते, अपने महल को तैयार नहीं करते। थोड़ा पीछे जाइए और देखिए कि कौन सा नेता गरीबों की समस्याओं का समाधान करता है और उन गरीबों की बस्ती में किस नेता का महल है। भैया वाकई में समाज की सेवा करने के लिए मैदान में आए हो तो अपने महल के चक्कर में क्या पड़े हो? एक कमरे में जी सकते हो, दो रोटी खा सकते हो, समस्याओं का समाधान करो ना। आपको नींद कैसे आ जाती है कि आपके बगल में जो जनता रह रही है, जो गरीब है, उसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, मकान नहीं है, झोपड़ी है, सड़क पर सो रहा है, और तब भी आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, तब भी एसी वाली गाड़ी में बैठ कर आ रहे हो, तब भी अपने महल को बना रहे हो। कैसे आप समाज सेवा कर सकते हो और आपको समाज सेवी हम कैसे माने? गंभीर सवाल है, विचार कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।